आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नागदा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदा क्षेत्र के आसपास कई दिनों से कंजर गिरोह के लोगों द्वारा रेकी करने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद गिरोह को हथियार के साथ रेकी करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ था। पुलिस ने रात में चेकिंग और गश्ती अभियान तेज कर दिया था। चेकिंग के दौरान ग्राम चूटिया खेड़ी के पास बाइक पर आए बदमाश गिरोह के 3 साथी पुलिस को देख फायर करते हुए भागते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गिरोह के एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, उसके बाद बाकी 2 बदमाश मौका देख फरार हो गए। नागदा थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने तत्काल घायल को पुलिस कस्टडी में अस्पताल पहुंचाया और घायल का इलाज शुरू किया। वहीं पुलिस के 2 जवानों को कार्रवाई के दौरान मामूली चोटें आना बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान को लेकर लूट गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कंजौर गिरोह के सदस्य लूट करने के राजस्थान के इलाके से नागदा और आसपास के इलाकों में घटना को अंजाम देने के लिए आते हैं।